गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द सेकेंड चैप्टर गुड हैबिट एंड मैनर ऑफ लाइफ स्किल। आज आपको मैं लाइफ स्किल का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, गुड हैबिट्स एंड मैनर्स। आपका ये मॉरल थॉट है, गुड मैनर्स आर अ पार्ट ऑफ गुड मॉरल्स। इसका मतलब है कि अच्छा व्यवहार करना हमारी नैतिक शिक्षा का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। गुड हैबिट्स एट होम, कौन सी ऐसी अच्छी आदतें जो हमें घर पे करनी चाहिए। फर्स्ट है गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली। हमें जल्दी सोना भी चाहिए और फिर जल्दी उठना भी चाहिए। जब आप जल्दी सोओगे तभी जल्दी उठ पाओगे। डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोज हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे आप लोग का एक्सरसाइज वीडियो आता है सवेरे फिजिकल एजुकेशन का, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। कॉम योर हेयर नीटली, अपने बालों को अच्छे से बनाना चाहिए, साफ सुथरा। ईट हेल्दी फूड, हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, पिज्ज़ा बर्गर ये सब जंक फूड नहीं खाने चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, अपने हाथों को खाना खाने से पहले भी धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी। डू योर होमवर्क रेगुलरली, अपना होमवर्क रोज़ करना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर, हमेशा अपने शिक्षक के अपने टीचर का रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए या उनकी बात माननी चाहिए, अपने टीचर की बात माननी चाहिए। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए और अपने बेडरूम को भी साफ रखना चाहिए, अपने स्टडी रूम को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए सबको। Do not make noise in the classroom, और क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसे एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। वॉइस मैसेज भेजने का भेज इसका वॉइस मैसेज भी आप लोग भेज दीजिएगा, सारे बच्चे इसको ठीक से पढ़ लेंगे आपको। नेक्स्ट है गुड मैनर्स, एवरीबडी लाइक्स अ गुड मैनर चाइल्ड। सभी लोगों को, जो जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों को अच्छे मैनर्ड वाले अच्छे बच्चे ही अच्छे लगते हैं, जिनके पास मैनर हो। मैजिक वर्ड्स ऑफ गुड मैनर्स आर, आपके ये चार मैजिक वर्ड हैं गुड मैनर के, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ये चार वर्ड्स हैं। वी शुड से प्लीज़ व्हेन वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, हम का प्लीज़ कहना चाहिए हमें जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, तब प्लीज़ का यूज़ करते हैं। कहाँ पे प्लीज़ यूज़ करते हैं, जैसे आपको किसी कुछ मांगना हो या कुछ लेना हो, जैसे कहना है हैव योर पेन प्लीज़ या पेंसिल प्लीज़, तो आप प्लीज़ का यूज़ करते हो। वी शुड से थैंक यू व्हेन समवन गिव अस समथिंग, जैसे मैम ने आपको वेरी गुड दिया तो आप थैंक यू बोलते हो, या आपको किसी ने ट्रॉफी दिया तो आप थैंक यू बोलते हो। तो थैंक यू का यूज़ जब कोई आपको कुछ देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो। वी शुड से सॉरी व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, हम जब कुछ गलत करते हैं तब हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। कभी कभी आप घर पे कुछ गलती करते हो तो मम्मी को सॉरी बोलना चाहिए, कभी क्लास में गलती हो गई तो भी सॉरी बोलना चाहिए, या किसी बच्चे से कुछ गलती से आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। वी शुड से एक्सक्यूज़ मी व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ समवन्स अटेंशन, एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको मैम से कुछ पूछना है तो आप अचानक से उठ गए तो कुछ पूछोगे नहीं, तो आपको उसमें बोलना पड़ेगा एक्सक्यूज़ मी मैम, तब एक्सक्यूज़ मी का यूज़ होगा। अभी आप लोगों को पता चल गया आपके ये फोर मैजिकल वर्ड्स हैं, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। इसको भी इसको रीड नहीं करना है और ये दोनों ही वर्क कॉपी में नहीं करने हैं, ये दोनों वर्क कॉपी में नहीं करने। इस गुड हैबिट्स
को आपको 10 पॉइंट्स जो है इसका, इसको आपको आपकी बुक से करना है। जिसके पास बुक हो पेज नंबर 8 है उसको उसमें से रीड करके वॉइस मैसेज भेजना है। और ये गुड मैनर्स आर अ पार्ट ऑफ गुड मॉरल्स, इसको लर्न करना है, ये आपका मॉरल थॉट है। और इसको सिर्फ मैंने समझाया, उसे समझना है, इसे रीड नहीं करना है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।